अनवर सादात। जनाब टी में आप सबका इस्तकबाल है। पेश है खिताए जनाब की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबर। घर के अंदर ही घुटनाशक पसंद करती है ना कि उसको आगे प्लेटफॉर्म पे आके किसी उसका रिहर्सल करना चाहती है। लेकिन ये अप्रोच जो है ये बड़ी घातक है, ये बड़ी आगे आने वाले टाइम पे ये बहुत बड़ा इशू भी बन सकता है। प्लेटफॉर्म आपके सामने बने हुए हैं, गवर्नमेंट ने पूरा हर जो भी इश्यूज हैं उसके रिलेटेड सारे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। आपके सामने ये जो पोस्टर्स लगाए गए हैं आप अगर इन पे गौर करेंगे ज़रा तो आपको सारी समस्याओं का हाल इन्हीं में निकल जाएगा। Thank you.
मेरा नाम मीनाक्षी गोड़िया है। वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, यहाँ पे सब आए हुए हैं। और इसका सबसे फायदा ये है कि इससे जो जो भी औरतें वगैरह हैं जिन पे बहुत सारा जुल्म होता है, या कोई बच्चे जो लेबर्स वगैरह हैं, या कोई ऐसे बच्चे जिनकी चाइल्ड मैरिज ऐसे रूरल एरियाज में होता है जिनकी चाइल्ड मैरिज वगैरह हो जाती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज होगा। उनको हमारे स्किट के द्वारा, हमारे डांस के द्वारा उनको जो चाइल्ड लाइन वगैरह जो है टीम्स वगैरह का पता लग चुका है, और अगर वो चाहते हैं तो वो अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनकी मदद से इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं और अपने ऊपर जो भी जुल्म हो रहा है उसको होने से रोक सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत सारे केस जो हैं सामने आते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो औरतों पे जिन पे जुल्म होता है तो वो चुप क्यों रहती है, वो आगे क्यों नहीं जाती है। यहाँ पे इतनी अच्छी एजेंसी है, गवर्नमेंट बेकार नहीं बैठी, वो बहुत सारी एजेंसीज उनके लिए कर रही है, NGOs बहुत अच्छे बना रखे हैं उन्होंने, तो वो जो महिलाएं हैं जिनके ऊपर ऐसे अत्याचार हो तो उनको आगे आना चाहिए, उनको अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, उनको अपना हक मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है, अधिकार तो नहीं छीना चाहता किसी से। मेरा नाम जतनजीत कौर है। हाँ, वुमेंस डे सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। वुमेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि लोगों को कुछ सीखने को मिले। जो आजकल औरतों पे अत्याचार हो रहे हैं, बच्चों पे हो रहे हैं, बूढ़ों पे हो रहे हैं, उनके लिए हम मतलब कि सेलिब्रेट करते हैं कि कुछ सीखे लोग कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे अगर औरतों पे जुल्म हो रहे हैं तो उनके लिए महिला शक्ति केंद्र इनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर बच्चों पे हो रहे हैं तो इनके लिए चाइल्ड लाइन 24 आवर्स अवेलेबल होता है इनकी मदद करने के लिए। अगर बुजुर्गों पे हो रहे हैं, जैसे कि आजकल बेटे अपने पापा वगैरह मम्मी को निकाल देते हैं घर से, तो अगर इनके लिए हो रहा है तो इनके लिए गवर्नमेंट की स्कीम ओल्ड एज पेंशन स्कीम, और अगर वो बेवाओं के लिए तो उनके लिए है विडो पेंशन स्कीम। ये देर है तो बस दो नंबर मिलाइए, 1098 और 181। हमने देखा तो नहीं ऐसा, बट सुना बहुत है कि ऐसा इधर हो रहा है। क्या नाम है आपका? वजीर अहमद। ये जो रोड बन रही है तो कैसा महसूस कर रहे हैं? सर हम खुश हैं, उसमें जमीन भी दे रहे हैं, जैसा लगना है कुछ का अगर दिन भी लगेंगे तो उसमें हम खुश हैं। लेकिन सर अभी ये 2 किलोमीटर पीछे जाने चाहिए, हमारे को वो खुशी भी है। हम दबसी में रहते हैं, लिहाजा अगर आप ठेकेदार को कह सकते हैं उसको अभी दो किलोमीटर वो टेंडर निकाले, लिहाजा सब गाँव का फायदा है। दमसी खुलू और बर्दगी भी आएगा इसमें और बगला तक, लिहाजा इसका सब सुनने चाहिए,
रिक्वेस्ट है लादा निकलने चाहिए 2 किलोमीटर और आगे। तो ब्लड काम करते हैं, इससे हमें भी खुशी मिलती है कि किसी का जीवन बच जाए। और हमारा नारा जो है सेवा सुरक्षा मृत्यु, तो इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है, सभी को ब्लड प्रदान करने से। उनके लिए यही मैसेज है कि ब्लड डोनेट करने से कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो जो जंग जूथ है जो, तो उनको ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि इधर अपने सभी भाई हैं, अपना ब्लड किसी के काम आ जाए यही सबसे बड़ी सेवा। जैसा कि मैं आपके माध्यम से बता दूं कि यहाँ 2017 से ये साथवी बैंड की एक कंपनी आई है, तो यहाँ पे आए दिन जो है हम ब्लड डोनेशन का कैंप लगा रहे हैं और लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो आम जनता है यहाँ की, वो ब्लड डोनेशन के लिए जो है यहाँ का जो यूथ है वो आगे नहीं आता है। तो हमारा ये कोशिश है कि हम जो उन लोगों को भी ये मैसेज दें कि सभी जो आगे आए, क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो ब्लड की काफ़ी जरूरत है। आपका शुभ नाम? मोहम्मद सलीम वाली। सर, स्वच्छ भारत अभियान की एक मतलब स्कीम जो लॉन्च की थी, तो क्या आपको देखने को मिल रहा है? जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं, मुझे ये समझ नहीं आई कि हमने इलेक्शन भी लड़े, यहाँ के हमारे लीडर भी बन गए, चेयरमैन बने, वीडी कोई सरपंच कुछ जो भी बने, वो तो आपको सामने दिखाई देता है। जो मोदी साहब ने बोला था कि जो झाड़ू उठा के मोदी साहब ने सफाई की, वो तो आपको सामने दिखता है कि क्या है। परसों यहाँ पर मैंने जस्ट कोई एक महीना पहले यहाँ पर जेसीबी लगा हुआ देखा था, वो नाला साफ कर रहा था। तो या तो यहाँ के चेयरमैन या जो भी लीडर है, वो इन लोगों को मतलब वो अवेयरनेस ही दे रहे हैं कि
क्या करना है क्या नहीं करना है। इस वक्त भी आपने देखा होगा कि यहाँ से जो सफाई करके वो झाड़ू मार के लोग आते हैं, वो रेडिया लेके आते हैं, वो इन नालों में फेंक देते हैं गांव। ठीक, यहाँ के लोग यहाँ से लोग नहीं बसते हैं, यहाँ पर कोरोना का खतरा नहीं है, यहाँ पर इन्फेक्शन का खतरा नहीं है। यहाँ पर जो चिकन शॉप वाले हैं वो भी चिकन शॉप करके वो इन नालों में फेंकते हैं। आप मुझको बताओ फिर वो कहाँ हुआ वो भारत जो मोदी साहब कहते हैं कि ये स्वच्छ भारत है, ये ऐसा भारत है, ये ऐसा भारत है, क्या कहाँ पर आपको लग रहा है? ये देखो ना सामने क्या है, आज वो दूसरी एक बीमारी और एक आई है जो वो चिकन में वो क्या फ्लो बोलते हैं उसको, वो कुछ फ्लो आया है, तो वो तो इन्हीं नालों की वजह से इस वक्त पैदा हो रहा है कि जहाँ पर मुर्गे साफ करके नालों में फेंकते हैं, गंद फेंकते हैं, जो भी कुछ है वो सब इस मतलब गंदगी है वो नालों में फेंकते हैं। तो मैं यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो नाले शाले हैं ये साफ करें, क्योंकि आगे अब बरसात का मौसम है, जैसे इस वक्त भी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो जो पानी जमा हो जाती है मलेरिया का खतरा होता है या और भी कुछ बीमारियों का खतरा होता है इन्हीं नालों की वजह से होता है। मैं आपके चैनल का शुक्रिया करता हूँ, आप लोगों को दुआ भी करता हूँ कि आप ये छोटी मोटी जो बातें हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है जो आप मीडिया के सामने, मीडिया वाले जो हैं वो गवर्नमेंट के सामने ले जाते हैं। डीडीसी काउंसिल के जो इस वक्त जीते हुए नुमाइंदे हैं तो उनका क्या रवैया है सर? देखो जी, इलेक्शन के टाइम तो सब सामने आ जाते हैं, तो इलेक्शन के बाद मुझे ये भी पता नहीं है कि वो हैं भी गांव में या गांव से बाहर है। लेकिन पहले यहाँ पर जब एक ऐसा दौर था यहाँ पर जो सरपंच वरपंच बनते थे, पहले ये डीडीसी वीडीसी नहीं था, ये मुझको पता नहीं है कि डीडीसी क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में मुझको पता नहीं। अलबत्ता मुझको इतना ही पता था कि जो सरपंच पहले यहाँ पर थे, जो सरपंच जब पहले थे, वो इस चीज का मतलब फोकस करते थे इन चीजों पे कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जस्ट पिछले साल यहाँ पर एक बाथरूम भी बना हुआ था, जो आपको पता होगा कि बड़ा जबरदस्त था, और देखो आज हमारी मतलब हालत देखो क्या है, मतलब नालों की हालत देखो, कहीं जो बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर गाड़ियां रुकती है वो पेशाब करने के लिए, उनको बस जगह ही नहीं है, वो लोगों के घरों के आसपास बैठते हैं, गंदगी फैलाते हैं, ठीक, जिससे लड़ाइयां हो जाती, झगड़े हो जाते हैं। पहले इस पर फोकस किया गया था, लेकिन उसके बाद जब बड़े बड़े इलेक्शन हुए, डीडीसी इलेक्शन, चेयरमैन कुछ और, मैन कुछ और बना, कुछ नहीं है। तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपको? हम तो उनके लिए यही मैसेज बताना चाहते हैं कि अगर उन्होंने इलेक्शन जीता है या इलेक्शन लड़ा था, या इसीलिए इलेक्शन लड़ा था क्योंकि लोगों को भी यही लगता था कि वो सपोर्ट करेंगे, वो सफाई करेंगे या और भी कुछ काम करेंगे। ठीक, तो आप मुझको ये चीज़ बताओ कि हमें नजर नहीं आता है, हम तो यही रिक्वेस्ट उनसे कहते हैं कि लोगों को आपके साथ बड़ी तवक्को है कि आप गांव की भलाई के लिए बहुत कुछ करोगे, लेकिन ऐसा महसूस नहीं होता है। मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम गांव के आसपास चल के जरा देख लो कि क्या है क्या नहीं है, कौन सा काम हमें करना है कौन सा काम नहीं करना है। खाली पैसा कमाना नहीं है, खाली दंगे देना नहीं है, खाली लोगों के साथ लड़ना नहीं है कि अब वो फलानी पार्टी है उसने ये उसका काम है, या फलानी पार्टी है उसका काम है। यहाँ पर जो भी कोई बात आ जाती है वो बोलते हैं कि ये मस्जिद कमेटी की बात है, भाई मस्जिद कमेटी इस पर खुद ही बात करेगी, फिर हम इलेक्शन वोट क्यों करते हैं? तो रोड्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? जो 20 साल कबल पहले इस डोडा से गुन्ना तक जो रोड है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो सर, मैं तो पहले घट से जो पीछे रोड जाता है उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन 2005 में मैं एंगेज हुआ हूँ डेली विजर पेची डिपार्टमेंट में। 2005 से मैं घट जो 4 किलोमीटर रोड है वो आज तक नहीं बनी, तो मैं पीछे दूसरे रोड की क्या बात करूँगा। जो आपके सामने जो इस वक्त इतना बड़ा इदारा घट में दिया गया है, मेडिकल कॉलेज, इतना बड़ा इदारा दिया है मेडिकल कॉलेज, उसके लिए रोड अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या सोचते हो कि लोगों की भलाई के लिए कहीं रोड बनेगा? ये ऐसे ही नाटक है, यह ऐसी झूठ फूट के नाटक है। अभी सुन रहा था कि अभी कोई अपना इलेक्शन भी नहीं होगा, अब 2022 में इलेक्शन होगा, 21 में इलेक्शन होगा, क्योंकि अभी मैं न्यूज में सुन रहा था कि 21 और 22 में कोई इलेक्शन ही नहीं होगा। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि डेमोक्रेसी कहाँ है, ये कहाँ है। तो क्या विचार है अब आपके, जो ये रोड्स का काम लगते लगते बंद हो जाता है? देखो जी, या तो गवर्नमेंट इस वक्त इतना वो क्या बोलते हैं कि वो उस लेवल पे पहुंच गई है कि उनके पास पैसा ही नहीं है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा काम करके तो छोड़ देते हैं, या तो ये ऐसा भी होता है कि जिस जगह बीजेपी का वो ग्राउंड है वहां पर काम हो रहा है, जहां पर कांग्रेस का ग्राउंड है वहां पर ये काम नहीं हो रहा है। मतलब इस बार अगर यहाँ पर डीडीसी इलेक्शन कांग्रेस ने जीता है, यहाँ से आप इस एरिया में कहीं भी चले जाओ, आप तो मीडिया वाले हो ना, आप किसी भी एरिया में चले जाओ वहाँ पर वो काम लगा है, उसके मुकाबले में आप बद्रा में चले जाओ ना, वहाँ पर क्यों काम लगा है, किश्तवाड़ में चले जाओ वहाँ पर क्यों काम लगा है, आप रामबन में चले जाओ वहाँ पर क्यों। जनाब, मेरा नाम सुहेब वानी है, मैं इसी गाँव का रहने वाला हूँ।
तो क्या कहना चाहेंगे आप? स्वच्छ भारत मिशन एक बहुत अच्छा मिशन और बहुत बड़ा मिशन है हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने जो निकाला है, लोगों के लिए निकाला है, लोगों की भलाई के लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे ग्राउंड पे, देखो यहाँ पे हालात, देखो नाले के, गांव के बीचों बीच नाला है, स्कूल्स यहाँ पे हैं, लोग यहाँ पे रहते हैं, इतनी मार्केट यहाँ पे है, हॉस्पिटल यहाँ पे थोड़ी देर दूरी पे है, रोड यहाँ पे है, दो रोड यहाँ पे जोड़ा से आती है, पुलजोड़ा से आती है। लेकिन रोड की हालत तो छोड़ो, वो तो खस्ता हालत है ही, लेकिन नाले कम से कम साफ होने चाहिए। कल को बीमारी का बाइस बनेगा, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे रहते हैं, इतनी यहाँ पे लोकेलिटी, अच्छे लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इन ये नाला तो मैंने बचपन से तो ऐसा गंदा ही देखा है। सर सुनने में आया था 2022 में इंडिया डिजिटल बनेगा, अगर ये पहले नदी नाले ही साफ करेंगे तो सफाई आधा ईमान है, हमारे इस्लाम में बोलते हैं सफाई आधा ईमान है। सफाई नहीं होगी तो डिजिटल को क्या करना है? तो क्या मैसेज रखेगा आप लोगों के लिए, सरकार के लिए? लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा, थोड़ा जाना पड़ेगा आगे एडमिशन के पास कि सर यहाँ पे देखो क्या हालत है हमारी, कल को बीमारियां फैलेंगी, पहले कोरोना वायरस दोबारा से सुनने में आ रहा है। तो सर स्कूल जहाँ पे हैं, बच्चे यहाँ पे चलते हैं, गाँव के बीचों बीच नाला है, अगर ये इतना गंदा रहेगा कल को कोई बीमारी फैलेगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ, अगर इसको कोई साफ करवा सकता है तो। कितने बजे, कितने ऊपर से गिरे आप क्रेन, क्या टूटी, क्या क्रेन से नहीं? अच्छा, सबसे बड़ी लापरवाही अगर है इस हादसे की, सबसे पूरी जिम्मेवारी एससीसी के ऊपर आयद होती है कि उनकी जो डेड बॉडी, जो एक हादसा वहाँ सुपड़ के अंदर पेश आया, जिसको आज कैंपर के अंदर लाया गया और रामन हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा गया, बदकिस्मती का मकाम या इंतजामिया और एससीसी को अपने, इससे पहले भी बड़े हादसा हुए और हमारा जो आज वहाँ पे एक बड़ा हादसा हुआ जिसको कैंपर में आज रामबन हॉस्पिटल में लाया गया, ये बदकिस्मती का मकाम है और हम एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा करना चाहते हैं कि फौरी तौर एक्शन लेके एससीसी कंपनी के खिलाफ तमाम जितने भी आज बन मर्डर हुए हैं उसके ऊपर आयद किए जाए और कंपनी को हम हिसाब लेंगे कि अगर कंपनी के पास फर्स्ट एड नहीं है, कंपनी के पास एम्बुलेंस नहीं है, तो हमारे इस जवान को इस कैंपर के अंदर लाया गया और इसको ये रास्ते में ही दम तोड़ बैठा। अगर एम्बुलेंस प्रोवाइड की होती तो मुझे नहीं लगता, तकरीबन अल्लाह के फैसले अटल है, लेकिन उसके बावजूद उसको लेट पहुंचाया गया, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी एचसीसी और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी पर आयद होती है। हमारा मुतालबा यही रहेगा कि इससे पहले भी आज जो भी हादसा हुआ है ये एचसीसी के ऊपर आयद किया जाए।
ऑक्सीजन भी देगी और इस समय वो स्टेबल है और उस गार्डन लिए हम इसको रेफर कर रहे हैं जम्मू मेडिकल कॉलेज। तो जो इंजर्ड है वहाँ से कैसे आया, किसमें? ये एम्बुलेंस तो हेली तो एक प्राइवेट किसी कैंपर लाया गया कि जो नॉर्मली पेशेंट शिफ्ट के लिए उसको सूटेबल नहीं थी। नॉर्मली कंपनी के पास एम्बुलेंसेज होने चाहिए कि जब इतना प्रोजेक्ट काम ये चल रहा है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो एक तो आम एक ट्रक में लाया गया ये, तो वो तो ऑन स्पॉट इसकी डेथ हो गई थी। दूसरा सीरियस कंडीशन में है, इसको स्टेबल करके हम उसको रेफर कर रहे हैं। क्लासेस 15 फरवरी से हमारे कॉलेजेस खुल गए हैं और हमारी ये कोशिश रही है कि हम साल भर का कैलेंडर जारी करें और ये हमने एक मेड इन प्रोग्राम के तौर पर हमने उसको मुनक्किल किया है, क्योंकि औरतों का हमारे समाज में हमारे माशरे में बहुत बड़ा अहम रोल बनता है, तो इसलिए हमने इस दिन के हवाले से इस मुनासबत से